अल्लाह रही रिप्रोडक्शन मॉड्यूल की एक दो हिस्टो स्लाइड्स रह गई थी वो भी मैं बताती चलूँ दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द कॉर्पस एल्बिकांस ठीक है इसमें इतना बड़ा कनेक्टिव टिशू का मास नज़र आ रहा है इसमें और कोई सेलुलर नेटवर्क तो है नहीं ठीक है ओवरी के अंदर ही एक आपको कनेक्टिव टिशू मास नज़र आ रहा है ठीक है ये भी कनेक्टिव टिशू मास है ये वाला ठीक है सिंपल कनेक्टिव टिश्यू ये बीच में आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं ब्यूटिफुल वाओ ठीक है तो बाकी ये सारी ओवरी है ठीक है और इसके अंदर ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं लेकिन एक मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नज़र आ रहे हैं विच इज़ द कॉर्पस बिक्स दिस इज हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द ओवरी ठीक है और ओवरी uh, में अभी यहाँ पर विन्युल uh, नज़र आ रही है ये uh, अब इस तरह से है कि यहाँ इट्स एन ओवरी लेकिन आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी प्राइमोडियल फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल सो दिस मस्ट बी इसके अंदर ये क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम होगा यानी कि द रपट और द रपचड ओ ओवेरियन फॉलेकल ठीक है तो इस वजह से आप इसको ओवरी भी लिख सकते हो यू कैन सी से रिट्स दॉरपस ल्यूटियम दिस इज दिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द एपिडाइडमिस ठीक है इसका जो एपीथीलियम है देखो इसमें न्यूक्लियर कोई ऊपर है कोई नीचे, को को नीचे है कोई ऊपर है कोई नीचे है सो दैट इज़ वाई इट इज़ सूडो स्ट्राटिफाइड एपीथीलियम ठीक है बीच में ये जो आपको रेशे रेशे नज़र आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली द स्पर्म्स इसके बाहर ये जो ये वाले रेशे रेशे हैं ठीक है दीज आर एक्चुअली द दिस इज़ एक्चुअली द इंटरस्टाइशल कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ये आपको विनीूल्स वगैरह ब्लड वेसल्स ये सारी ठीक है तो बाहर इसका इंटरस्टाइशल कनेक्टिव टिश्यू है एंड देर इज़ स मस्कुलर लेयर कुछ मसल्स भी हैं ठीक है थीके? ये कुछ मसल्स हैं ठीक है और सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम से आपने इसको पहचानना है इस डाइग्राम को समटाइम्स द डाइग्राम में नॉट बी वेल फोकस्ड ठीक है तो इस तरह की शक्ल भी आ सकती है दिस इज़ ऑल्सो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द ओवरी लेकिन चूँकि इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा तो यू कैन सेट ये सारा ये ये वाला सारा ये कनेक्टिव टिशू ही है इट इज़ दर्पज़ एलबी कैंस